हाय गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट धर्मा गोयल। और आज आप सोच रहे होंगे मैं आपको अपनी किचन में क्यों लेकर आई हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैम हम बहुत टाइम तक पढ़ नहीं पा रहे हैं एंड लेजीनेस होती है, अर्ली मॉर्निंग हम इतने प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे जितना हमें होना चाहिए, सिंस यू नो कि अभी बहुत कम टाइम बचा है बच्चों, तो इसलिए हमें प्रोडक्टिव ज्यादा होना होगा। तो हाल ही में मैंने कुछ दिनों पहले एक चीज ट्राई की एंड इट हैज रियली वर्क्ड फॉर मी। 10 दिन literally I've just tried for 10 days and my productivity has increased many fold. तो मुझे लगा why not I share with you people, क्योंकि मुझे लगता है इससे आपको भी बहुत बहुत फायदा होगा बच्चों। तो हमारे सारे आपको वेजीज दिख रहे होंगे, इतने सारे ये खैर ये वाले वेजीज तो मैंने पाव भाजी बनाने के लिए रखे हैं, दिस इज नॉट फॉर यू। बट आपके लिए जो मैंने सोचा है वो है कुकुम्बर एंड दिस इज वॉटर गॉट, या इसे हम हिंदी में घिया या लौकी भी बोलते हैं। तो अभी क्या कर रही हूँ मैं, आई वुड से एवरीबडी शुड टेक दिस 4 days चैलेंज एटलीस्ट। जैसे आप सुबह उठते हैं यू शुड हैव कुकुम्बर इन द मॉर्निंग एज अ जूस। तो इसको सिंपली ब्लेंड कर लीजिए, अगर आप ब्लेंड नहीं कर सकते तो अगर आप मान लीजिए हॉस्टल में है तो कद्दूकस बड़ा सस्ता जाता है, उसको कद्दूकस कर लीजिए, उसका जूस निकाल के पी लीजिए। नाउ एक मैं आपको इससे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ खीरे की। खीरे के लिए अक्सर हमारे जो बड़े लोग हैं वो बोलते रहे कि खीरा अगर आप सुबह खाते हैं तो ये हीरे की तरह काम करता है आपके शरीर के लिए, अगर आप ये दिन में खाते हैं तो ये जीरे की तरह काम करता है, और अगर आप रात में इसे खाते हैं तो ये कीड़े की तरह काम करता है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग इसे ले रहे हैं तो मैं आपको सच में बता रही हूँ, इससे आप देखना कि आपका जो लेजीनेस है वो पूरी तरीके से चला जाएगा। आई एम टेलिंग यू दिस एंड यू मस्ट ट्राई दिस। तो हुआ क्या, हम जब सुबह उठते हैं तो हम डायरेक्टली ब्रेकफास्ट की ओर जाते हैं, और जब हम ब्रेकफास्ट जाते हैं तो अक्सर हम रोटी सब्जी कुछ खाते हैं जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के स्लो जाता है, क्योंकि हम बहुत गैप दे देते हैं उठने और खाने के बीच में, तो इससे क्या होता है लेजीनेस आ जाती है। तो अगर आप सुबह उठते हैं अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिव कर देते हो तो तुम देखना बिल्कुल एनर्जी की तरफ फटोगे, एंड ट्रस्ट में लड़कियों बाल काले होने शुरू हो जाएंगे, जो झड़ रहे हैं, जो बुढ़ापा आ रहा है नीट की प्रिपरेशन में, वो भी दूर हो जाएगा। एंड दिस अनदर जूस वॉटर गोट जूस, ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बता दूं दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। इनमें वाटर कॉन्टेंट 90% से भी ज्यादा होता है इनके अंदर, तो ये आपके डिहाइड्रेशन से भी, सिंस अब सर्दी आ रही है तो आप पानी कम पियेंगे तो ये डिहाइड्रेशन से भी आपको बचाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप सेम जूस निकाल के सुबह पी सकते हैं। अगर टेस्ट अच्छा ना लगे तो हल्का सा काली मिर्च काला नमक डाल लेना, थोड़ा सा नींबू डाल लेना, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो 4 days चैलेंज लेना है सबको, मेक श्योर यू डू इट एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की कौन कौन कर रहा है। मैं तो कर रही हूँ एंड डेली टेलीग्राम पे अपडेट करूंगी कि भाई आज ये वाला जूस पी रही हूँ, एशगार्ड का जूस पी रही हूँ, बीटरूट का जूस पी रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं मल्टी वाइटमिन मेडिसिन लेने की जगह आई गो मोर ऑन नेचुरल तरीका, तो ये बाल वाल मेंटेन रहेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा लगभग पतले पतले भी हो जाएंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसी छोटी छोटी टिप्स के लिए यही चैनल मैंने बनाया है। इस चैनल पे आई वोंट बी जस्ट लाइक योर टीचर, आई विल बी मोर लाइक योर दीदी, क्योंकि मुझे लगता है नीट प्रिपरेशन के दौरान यू नीड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसको पीने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, कितनी लेजीनेस जा रही है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज दिस हैज रियली वर्क फॉर मी, आई एम प्रीटी श्योर इट विल वर्क फॉर यू एज वेल। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर।